बखमुत से इस वक्त की बड़ी खबर। बखमुत में रूस के खिलाफ लड़ रही है वोलाड बटालियन। वोलाड बटालियन ने रूसी सैनिकों को चारों तरफ से घेरा। रूसी सैनिकों और वोलाड बटालियन के बीच जबरदस्त गोलीबारी। आमने सामने की जंग में कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा। जरा देखिए इस खबर को। बखमुत की लड़ाई। बखमुत आप पिछले दो महीनों से इस शहर का नाम खबरों में सुन रहे हैं, यहां पर छिड़ी हुई लड़ाई सुन रहे हैं, जो हर दिन फियर्स होने के बारे में भी सुन रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये जगह है, इसका सिग्निफिकेंस, और यहां इस लड़ाई के खत्म ना होने की वजह है। यहां कोई बात निर्णायक जगह तक क्यों नहीं पहुंच रही? आशीष बहुत कुछ लिए बताइए, उसके बाद मैं मुकेश जी के पास जाता हूं। देखिए, ये एक स्पेसिफिकली अगर आप गेटवे देखेंगे लॉजिस्टिकल सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू, बखमुत पर जिसका कब्जा होगा, जाहिर सी बात है कि डोनेट्स और लुहांस के लिए उसे टैक्टिकली बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन ये दोनों तरफ से बहुत ज्यादा जोर लगाया जा रहा है। यूक्रेनियन साइड से हमें जो वीडियोस देखने मिले हैं पिछले बहुत दिनों से, वो प्योर इसीलिए क्योंकि वो बखमुत जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि हम इंपॉर्टेंट जगहों पर कितना बढ़िया डिफेंड कर रहे हैं, भले ही हमारे सैकड़ों सैनिक मारे जा रहे हैं। और इसी तरह से रशिया की तरफ से भी बखमुत को लेने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है, क्योंकि विंटर्स अब शुरू है। ऐसे में लॉजिस्टिकल सप्लाई पर अगर किसी तरह से रप्चर होता है या फिर कोई डैमेज पहुंचता है, तो फिर आप मान के चलिए कि जनवरी का बचा हुआ सेकंड पार्ट, फरवरी और मार्च, रशियन फोर्सेज जिन्होंने कब्जा किया हुआ है पूरा का पूरा एलओसी बना के ईस्टर्न फ्रंट पे, उन्हें सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए क्योंकि वो मुहाना है, वो गेटवे है, इसीलिए दोनों तरफ से सबसे ज्यादा इंटेंस बैटल अब तक की वहीं पर है। इसका सिग्निफिकेंस, ये मुहाना डोनेस्क में पहुंचने का ये गेटवे, और आप अभी ये भी सुन रहे हैं सर्गेई शोइगु वहां जाकर ये कह रहे हैं पूरा डोनबास हमको चाहिए मार्च के भीतर भीतर पूरे तरीके से।